मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों को चुनौती देने वाला व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड में नहीं रहता है। नीतीश कुमार के फैसलों को चुनौती देने वाला व्यक्ति बिहार की सरकार में भी नहीं रहता है। नीतीश के फैसलों को जिन्होंने चुनौती दिया उनकी या तो राजनीति खत्म हो गई या वो बिहार की सत्ता से बाहर हो गए। ताज़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी देख ले, और उससे अगर ताज़ा उदाहरण देखना हो तो बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह को देख ले। नीतीश कुमार के कृषि रोडमैप को चुनौती देने वाले सुधाकर सिंह आज कहाँ है? नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की सियासत करते हैं और हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं, तो ये सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार उन फैसलों को क्यों लेते हैं जिन फैसलों से बिहार की जनता को नुकसान होता है, यानी बिहार में दल बदल का खेल। लेकिन इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने स्पष्ट किया है कि बिहार की जो सियासत है उसमें नीतीश कुमार ने एक बार गलती की है, और वो गलती 2017 में हुई थी। ललन सिंह इतना ही नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ते हुए यहाँ कहा कि बिहार में 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला किया था और जिन फैसलों को लेकर अब भी नीतीश कुमार को पछतावा होता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के कहे अनुसार जितने भी कार्य किए या उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए, कहीं ना कहीं उसका नुकसान बिहार में होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी जैसी सरकारी संस्था भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता है। दरअसल गोपालगंज में ललन सिंह चुनाव प्रचार में पहुंचे थे और वहां उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया है। खासतौर पे नीतीश कुमार की गलतियों को लेकर उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि गलती को सुधार लिया जाए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसलों को ललन सिंह ने चुनौती दे दी और कह दिया कि नीतीश ने जो फैसला लिया था वो फैसला गलत था और उन फैसलों पर विचार करना चाहिए था, और हम लोगों ने उन फैसलों पर विचार कर लिया है। अब ऐसे में एक बार फिर से नीतीश कुमार भाजपा के साथ गलत फैसला लेते हैं और भाजपा के साथ जाने वाला वो फैसला नीतीश का गलत होता है। नीतीश ने भी इन बातों का कई बार जिक्र किया है और एक बार फिर से वही चीज़ें ललन सिंह दोहरा रहे थे। ललन सिंह ने आगे बढ़ते हुए सीबीआई ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया, पालतू कुत्ता तक कह दिया। अब ऐसे में राजनीति में अब बिहार में खासतौर पे जो असंवैधानिक भाषा का प्रयोग है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे सीएम नीतीश के लिए जो उपनाम लिखे गए हो या तेजस्वी के द्वारा दिए गए हो, इन तमाम चीजों का जिक्र लगातार अब बिहार की सियासत में होता रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386